Good morning, everyone. So today we are going to study the Indian Penal Code 1860. Basically, this lecture is a demo of the introduction of Indian Penal Code 1860. आज का जो क्लास है ये हम इंडियन पीनल कोड 1860 का एक इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, जिसमें हम ये कहेंगे कि ये एक डेमो लेक्चर है, ना कि कंप्लीट लेक्चर है. कंप्लीट लेक्चर आपको फर्दर क्लासेस में, क्लासरूम्स में पढ़ाए जाएंगे. तो सबसे पहले जब हम इंडियन पीनल कोड 1860 को स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी द इंडियन पीनल कोड 1860, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्राइम की बात की गई है, इसमें ऑफेंसेस की बात की गई है और इसमें पनिशमेंट की बात की गई है. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्राइम क्या है, क्या ऑफेंस क्या है. तो क्राइम को जब हम समझते हैं तो सोसाइटी की बात आती है, दैट मीन्स अ क्राइम फ्री सोसाइटी. क्राइम फ्री सोसाइटी मीन्स व्हाट? कहने का मतलब कि सोसाइटी में क्राइम नहीं हो. इस क्राइम को रोकने के लिए हमारे लेजिस्लेशन ने इंडियन पीनल कोड 1860 रखा है. तो जब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, एक सोसाइटी की, एक समाज की, तो हमें तीन चीज़ों की फिक्र होती है. वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो बेसिक्स को समझते हैं, कोड को समझने से पहले. तो वो तीन चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. मैंने क्या कहा? सबसे पहला है लाइफ, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है प्रॉपर्टी. अब ये तीन चीज़ें हर इंडिविजुअल को चाहिए. एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. किसी भी सोसाइटी में अगर ये तीन चीज़ें आपकी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं, तो आप कहते हैं कि पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेफ है, ठीक है, उसके साथ कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है. रही बात कि इन तीन चीज़ों का सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों हम कहते हैं कि हमारे लाइफ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए या हमारे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्यों? दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड. जीने का कुछ कई साधनों में जो सबसे अहम साधन है वो यही तीन है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. अब अगर हम इन तीनों को सेफ और सिक्योर रखते हैं तो ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है टू मेंटेन ए पीस इन सोसाइटी. आपने कई बार कुछ चीज़ों को पढ़ा भी होगा कि हाउ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी. तो कहने का मतलब कि एक सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को सेफ और सिक्योर रखना पड़ता है. इसी चीज़ को सेफ और सिक्योर रखने के लिए, चाहे वो बात सोसाइटी की हो, चाहे वो बात इंडिविजुअल की हो, हम क्या करते हैं? इन तीनों को सिक्योर रखने के लिए हमारे लेजिस्लेशन ने इंडियन पीनल कोड 1860 रखा है. अब ये क्या करता है इंडियन पीनल कोड 1860? मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स, इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज. इंडियन पीनल कोड 1860
कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? प्रोहिबिट क्या प्रोहिबिट करता है? दो तीन चीजें देखिए, जैसे सबसे पहले देखिए अनडिजायर्ड एंड हार्मफुल ह्यूमन कंडक्ट। Undesired and harmful human conduct. Indian Penal Code 1860 prohibits the undesired and harmful human conduct. अब अगर इसकी basics को समझें कि undesired and harmful human conduct क्या है, तो बड़े आसान से शब्दों में कहा जा सकता है कि वैसी सारी चीज़ें या वो सारी चीज़ें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, वही बात हुई, या हार्म हो रही हो, ठीक है, तो कभी भी किसी भी ह्यूमन के किसी कंडक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म हो रहा हो या लॉस हो रहा हो या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो अनडिजायर्ड हो, जिसको अनएक्सेप्टेबल हम कह सकते हैं कि जो अनएक्सेप्टेबल हो, इन सारी चीज़ों को इंडियन पिनल कोड 1860 प्रोहिबिट करता है। तो अब आते हैं इसके ओरिजिन पर, इंडियन पिनल कोड के ओरिजिन पर आते हैं, भाई क्या है, कहाँ से आया है, किसने इनको बनाया है और कब से ये इन्फोर्स हुआ है। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। इतने से ही दो सवाल आपके कवर होते हैं। पहला, इंडियन पिनल कोड कौन से ईयर में, तो ये 1860। दूसरा, एक्ट नंबर 45। अब कई बार मन में ये सवाल आएगा आपके, ये ऐसे क्यों लिखता है, व्हाई इट इज़ रिटन लाइक एक्ट नंबर 45, What does it mean? Can anyone? ये देखिए, जो एक्ट नंबर 45 है, ये क्या है? तो क्या है ये? कहता है कि 1860 में, in the year 1860, 45वां एक्ट जो पास हुआ था, वो इंडियन पिनल कोड था, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, एक्ट नंबर 45। दूसरा सवाल आता है कि हु ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड 1860, किसने 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 को ड्राफ्ट किया। कैन सी ऑन योर स्क्रीन हियर द लॉर्ड मैक्यूले। क्या लॉर्ड मैक्यूले साहब ने पूरे इंडियन पिनल कोड को अकेले बनाया था? नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है, इनके साथ कुछ कमिश्नर्स थे, थ्री अदर कमिश्नर्स, पहले मैकलॉड, दूसरे एंडरसन एंड तीसरे विलेट, ये तीन लोग इनके साथ में थे। लेकिन अगर आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम आता है कि हु ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड 1860, व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी लॉर्ड मैक्यूले। आप क्या आंसर लिखेंगे? लॉर्ड मैक्यूले ने इंडियन पिनल कोड 1860 को ड्राफ्ट किया। कुछ इसी तरह के बेसिक्स क्वेश्चन कि आईपीसी कब पास हुआ था और कब से ये ऑपरेशन में आ गया था, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस तो क्लियर हुए यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रिकग्निशन एक्ट 2019 से पहले वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, बट नाउ आफ्टर द रिकग्निशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकग्निशन एक्ट 2019, द इंडियन पिनल कोड 1860 अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर रिकग्निशन एक्ट 2019 आने के बाद
हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 पूरे भारत पे लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होगा। अब हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड जो है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं, ये भी एक बेसिक सा सवाल है। तो हियर ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं, ठीक है। हियर इन योर क्लास, ऑन योर रेगुलर क्लास, जब हम यहाँ पे रेगुलर क्लास में आप बैठेंगे तो वी विल बी डीलिंग विद ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सेक्शंस, स्पेसिफिकली विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आस्क्ड इन जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इन एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। अब चलिए कुछ इसके बेसिक एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम ये कहते हैं कि हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिल्क, शुगर, ओके, चाय पत्ती, टी, ओके। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हुई। इसी तरह अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके भी तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे। आखिर हम कब कहेंगे कि ये एक ऑफेंस हो गया? लेट सपोज मैं यहाँ से वहाँ चल के चला जाऊँ तो क्या ये ऑफेंस है? नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये जोन रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उधर नहीं जाना है, तो क्या ये ऑफेंस है? है। तो कहने का मतलब कि कोई भी एक्ट कब ऑफेंस हो जाता है, या किसी भी एक्ट को हम ऑफेंस कब कहने लगते हैं, तो उसके चार एलिमेंट हैं, चार बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट वन इज ह्यूमन बीइंग। सेकंड एलिमेंट इज मेंस रिया, द थर्ड एलिमेंट इज एक्टस रेयस, एंड द फोर्थ एलिमेंट इज इंजरी। वन बाय वन हम इन चारों को समझेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग को, उसके बाद मेंस रिया को, उसके बाद एक्टस रेयस को, और उसके बाद इंजरी को। अब इसको बेसिक थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे हम नहीं समझेंगे सिर्फ कि क्या होता है। ऑल्दो यू ऑल आर लॉ ग्रेजुएट्स, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा कि हाँ मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रेयस क्या होता है। तो उसको हम लोग बस एक दो लाइन ब्रीफ में करते हुए डिटेल्ड बेयर एक्ट के सेक्शन से रिलेट करके पढ़ेंगे। जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बेयर एक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग क्या है, कहाँ है, मेंस रिया क्या है, कहाँ पर है, एक्टस रेयस कब होता है, ठीक है, इंजूरी कैसे, इंजूरी क्या है और कैसे कैसे इंजूरी हो जाता है, तो इस चीज़ को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक ह्यूमन बीइंग पर, सबसे पहले आते हैं ह्यूमन बीइंग पर। तो ह्यूमन बीइंग कौन है? मैं हूँ, आप हैं, या रास्ते पे चलते जानवर भी ह्यूमन बीइंग है? कौन है ह्यूमन बीइंग? सवाल अच्छा है। क्या जानवर ह्यूमन बीइंग के कैटेगरीज में आते हैं? अब थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो आप बहुत क्लीन में एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं। लेकिन इफ यू वांट टू क्रैक एग्जामिनेशन, यू मस्ट रेफर द सेक्शंस ऑफ बेयर एक्ट। नाउ प्लीज ओपन योर बेयर एक्ट सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 47। लेट मी शो यू। नाउ
When you come to section number 10, here on the screen you can see the definition of man and woman. What is written there? The word man denotes a male human being. Here you can see the word human being, the male human being. Similarly, for the woman, denotes a female human being of any age. So, the word human being, where it is defined? In the Indian Penal Code 1860, where it is written human being? Section 10. Similarly, मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या एनिमल ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आते हैं, तो नहीं आते हैं. कैसे नहीं आते हैं और क्यों नहीं आते हैं, तो इस बात को समझने के लिए सेक्शन नंबर 47 में जाइए. मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन 47. जब आप सेक्शन 47 को पढ़ते हैं तो लिखता है कि द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग. द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग. कोई भी जीता जागता क्रिएचर, बस वो इंसान ना हो. तो इंसानों की कैटेगरी में हम आते हैं. हम हो गए, आप हो गए. एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं. तो पहला तो ये क्लियर हुआ कि कब जब भी कोई ऑफेंस होगा, जब भी कोई ऑफेंस होगा और इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत उसको डील करना होगा, तो वो ऑफेंस सबसे पहले किसी व्यक्ति के साथ होना चाहिए, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ होना चाहिए. किसी जानवर को मार देने पर इंडियन पीनल कोड नहीं लगेगा, उनके लिए अलग से लेजिस्लेशन. लेकिन अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को मारते हैं, टच करते हैं, कोई नुकसान करते हैं, जो मैंने पहले बोला लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीन चीजों को आप नुकसान करते हैं, तो आईपीसी 1860 आप पर लगेगा. तो सबसे पहला तो ये कि ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है. दूसरा है आपका मेंस रिया. अब ये मेंस रिया क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगा, एविल इंटेंशन के बारे में आपने सुना होगा अपने लॉ स्कूल, ठीक है. तो मेंस रिया को समझते हैं. मेंस रिया क्या है, इस बात को समझते हैं. कहता है गिल्टी माइंड. गिल्टी माइंड क्या होता है? कुछ गलत सोच लेना, किसी का नुकसान करने का सोच लेना, किसी को हार्म करने का सोचना, किसी को किसी तरह से लॉस कर देने का सोचना, मन में गलत थॉट लाना किसी के अगेंस्ट, को ही कहते हैं मेंस रिया, एविल इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेंस रिया को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो मैं ये सोचता हूं कि मैं इस क्लासरूम से बाहर निकलूंगा और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इतना मारूंगा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए. आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको आज मारूंगा, उसको हॉस्पिटलाइज कर दूंगा. दिस इज व्हाट, दिस इज एविल इंटेंशन. मैं गलत सोच रहा हूं. अब जब हम इसको रेफर करते हैं बेयर एक्ट से, कि मेंस रिया को समझने के लिए बेयर एक्ट को रेफर करते हैं, तो कुछ सेक्शंस हैं. क्या क्या हैं सेक्शंस? सेक्शन 23, सेक्शन 24, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 35. एक एक करके समझते हैं. डिटेल में नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये डेमो लेक्चर है. कंप्लीट लेक्चर आपको क्लास में मिलेगा, बट ठीक है, फिलहाल
समझते हैं सेक्शन नंबर 23, 24, 25 एंड सेक्शन नंबर 35। तो 23 में क्या दिया हुआ है? 23 डिस्कस करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। क्या डिस्कस करता है सेक्शन 23? रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। क्या होता है ये? देखिए, मैं अगर आपका मोबाइल चोरी कर लूं और किसी को बेच दूं, तो मैंने रॉन्गफुली गेन किया और आपके साथ रॉन्गफुली लॉस हुआ। आई बात समझ में? कहने का मतलब कि जब मेंस रिया है आपके पास, मेरे माइंड में आपके साथ कुछ रॉन्गफुल करने का थॉट आ गया, तो मेंस रिया तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी अचानक से मेरे मन में एक बात आई, इन चारों एलिमेंट का होना ज़रूरी है कोई भी ऑफेंस के लिए, ये मुझे याद दिलाइएगा। मैं इन चारों एलिमेंट को बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। बेसिक्स तो यही है कि चारों एलिमेंट होने चाहिए, बट वी विल कम टू दैट लेटर, ओके। तो सेक्शन 23 कहता है रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। अब आइए इसको देख लेते हैं कि सेक्शन 23 के बेयर एक्ट में स्पेसिफिकली क्या मेंशन है। देखिए, कहता है कि रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ऑफ समथिंग ऑफ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। एक बार फिर से बोलता हूं, रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। बहुत आसान है याद करना। अब क्या है ये, इसके वर्ड बाई वर्ड को ब्रेक करके समझने की कोशिश करिए। कहता है कि गेन बाई अनलॉफुल मीन्स, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं आपका फोन चोरी कर रहा हूं, तो मैं गेन कर रहा हूं बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, मोबाइल आपका प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। आई एम द पर्सन हु इज गेनिंग, यहां मैं वो व्यक्ति हूं जिनको फायदा हो रहा है, क्या मैं इंटाइटल्ड था उस फोन के लिए? नहीं। तो अगर मैं किसी भी व्यक्ति का कोई भी प्रॉपर्टी अनलॉफुल मीन्स से ले लेता हूं और उससे गेन करता हूं जबकि मैं इंटाइटल्ड नहीं हूं, तो इसको क्या कहेंगे? रॉन्गफुल गेन। सिमिलरली रॉन्गफुल लॉस पे समझने की कोशिश करिए कि रॉन्गफुल लॉस क्या कहता है। डेफिनेशन सेम चलेगा कि रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज लीगली इंटाइटल्ड। वहां पे था नॉट लीगली इंटाइटल्ड, यहां पर है लीगली इंटाइटल्ड। बस इतना का ही फर्क है डेफिनेशन में। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय इलीगल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी of a property to which the person losing it is legally entitled. Sorry for the interruption. Okay, let's continue. Section number 24. What does section 24 says? Section 24 talks about dishonesty. Similarly, obviously a thought, कोई ऐसा सोच जिससे आपके मन में आ रहा है कि हम डिसऑनेस्टली किसी के साथ गलत करेंगे या किसी को बेनिफिट दे देंगे, रॉन्गफुली लॉस कर देंगे या रॉन्गफुली गेन कर देंगे। ऑब्वियसली किसी एक को गेन होगा, किसी दूसरे को लॉस होगा। तो 24 को जब आप पढ़ते हैं तो लिखता है कि इंटेंट ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। आई बात डिसऑनेस्टली समझ में आया। सेक्शन 25 सिमिलरली फ्रॉडुलेंटली
intent to defraud fraudulently, with the intention, with the intent to defraud. Excuse me. Okay. Sorry for the interruption. Let's continue with the lecture. Okay. So mens rea ko जब हम रिलेट करते हैं बेयर एक्ट से, मेंस रिया को जब हम बेयर एक्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें कुछ सेक्शंस को रेफर करना होता है. वो क्या था? 23 दैट इज रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन, 24 दैट इज डिसऑनेस्टली, 25 फ्रॉडुलेंटली. ओके, नाउ देयर इज वन मोर सेक्शन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, नो आई थिंक आई हैव टू डिस्कस, दैट इज सेक्शन नंबर 35. What is section 35? Intention and knowledge. There is a basic difference between knowledge and intention. Now, what is it? What it is? Knowledge kya hai? Knowledge is the basic awareness of something. Intention is the एंड ऑफ दैट बेसिक अवेयरनेस. इसको एग्जाम्पल से समझिए, थोड़ा सा लगा होगा आपको नहीं समझ में आया होगा, बट ऐसे समझिए. मुझे पता है कि मैं किसी को नाइफ से स्टैब करूंगा तो उसे इंजरी होगी या उसकी जान चली जाएगी. दिस इज नॉलेज, ये मेरा नॉलेज है. अब मैं सोचता हूं कि मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को आज जाके मारूंगा, दिस इज इंटेंशन. नॉलेज इज द मीन्स व्हाइल इंटेंशन इज द एंड. नॉलेज जो है वो ये दर्शाता है कि आप उस चीज को जान रहे हैं. यू आर अवेयर ऑफ समथिंग. गन फायर करेंगे तो जान चली जाएगी, नाइफ स्टैप करेंगे तो इंजरी होगी, रॉड से मारेंगे तो मेजर इंजरी हो सकती है. तो ये क्या है? ये नॉलेज है. बट अगर हम किसी पर अप्लाई करने का ये सोचते हैं या करने जाते हैं तो ये हमारा इंटेंशन है. क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 35. सेक्शन नंबर 35 जब आप पढ़ते हैं, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन. तो बेसिक मेंस रिया फिलहाल अभी हम, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है, हम इसे बहुत लेंदी नहीं बना सकते हैं. इन क्लासरूम वी विल बी डीलिंग विद द एवरी केस लॉज विद पर्टिकुलर सेक्शंस. नाउ coming to the actus reus, what is actus reus? See, mental act and physical act are two different things. Mental act covers mens rea, physical act covers actus reus. हम कुछ सोचते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारेंगे, ये mens rea है, और हम सोच के मार देते हैं तो मार देना एक्टस रेयस है. आपके फिजिकल एक्ट को एक्टस रेयस कहते हैं. मैंने मेंस रिया में आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि मैं इस क्लासरूम से बाहर निकलूंगा और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से लड़ाई कर लूंगा, उसको इतना मारूंगा कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए. ये मैं सोच रहा था, अभी मैंने किया नहीं था, तो ये मेंस रिया था. अब मैं सच में जाके उसको मार दूं और ये हरकत कर दूं तो ये एक्टस रेयस हो जाएगा मेरा, ठीक है. अब एक्टस रेयस को समझने के लिए कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जिसको हम बेयर एक्ट से रेफर करके समझ सकते हैं कि एक्टस रेयस क्या है. तो उसमें दो चार सेक्शंस हैं, 32 है, 33 है, 36 है और 39 है. अब बेसिक समझिए कि 32 क्या कहता है. 32 कहता है एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन. अच्छा, एक्ट और ओमिशन क्या है?
इस बात को समझिए कि व्हाट इज एक्ट एंड व्हाट इज ओमिशन, क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है। देखिए बहुत सामान्य भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा है कि कोई एक्ट, एक्ट रेफर्स टू एक्टिविटी। ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो लोगों को शायद मैंने कई बार अपने क्लास लेक्चर्स में भी ये बताया है कि ये एक्ट अलग है और ये एक्ट अलग है। ये एक्ट जो होता है ये आपके एक्टिविटी को बताता है, ये आपके एक्टिविटी को बताता है, ठीक है। तो कोई भी आप ऐसा एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसा आप एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जो गलत है, तो वो एक्टस रेस में भी आएगा। ओमिशन, कि किसी एक्ट को करने से स्पेसिफिकली मना किया गया, ओमिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, आप लिखा हुआ है फिर भी आप वो हरकत कर रहे हैं। यू आर ओमिटिंग सर्टेन थिंग्स, कुछ कहा गया है उसको डिनाई करना, और कुछ नहीं कहा गया फिर भी आपको नहीं करना है, ये एक्ट है। तो सेक्शन 32 कहता है, सेक्शन 32 कहता है कि इलीगल ओमिशन भी एक्ट्स में इंक्लूडेड है। एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, इन डिटेल वी विल स्टडी इन क्लासरूम। सेक्शन 33 क्या कहता है, सेक्शन 33 स्पेसिफिकली आपके एक्ट और ओमिशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 33 आपके एक्ट और ओमिशन को डिफाइन करता है। आप, आई कैन शो यू, हियर इज योर बेयर एक्ट, सेक्शन 33, एक्ट एंड ओमिशन, ये दोनों ही आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहता है कि एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन ऑफ अ सिंगल ओमिशन, ठीक है। वी विल लेटर डिस्कस विद द केस लॉज इन द क्लासरूम। नाउ अनदर सेक्शन इज सेक्शन 36 एंड 39। व्हाट डज 36 सेज, 36 कहता है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पार्टली एक्ट हो और पार्टली ओमिशन हो तो वो कैसे डील होगा। कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें आपने कुछ एक्ट भी किया हो और कुछ ओमिशन भी किया हो, तो आप जब इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाई एन एक्ट और बाई एन ओमिशन इज एन ऑफेंस, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाई एन एक्ट एंड पार्टली बाई एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। उसको ऑफेंस में कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो आप पार्टली, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक्ट को अलग देख रहे हैं, ओमिशन को अलग देख रहे हैं, अलग अलग, वैसा नहीं है। आपने कोई भी एक्ट किया उसमें ओमिशन भी है, एक्ट भी है, तो भी वो ऑफेंस है और दोनों को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 39 वॉलेंटायरली, सेक्शन 39 वॉलेंटायरली। अब सेक्शन 39 जो है वॉलेंटायरली को समझना क्यों जरूरी है, दो कंसेप्ट है, एक वॉलेंटायरली और एक इनवॉलेंटायरली। क्या है, जब हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने लगेंगे 76 के आगे 96 तक जाएंगे, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एंटर करेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ ज़रूरी है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वॉलेंट्री को समझाने के लिए और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप किसी क्लब में गए अपने दोस्तों के साथ और आपने खुद शराब पी ली, आपने ड्रिंक किया, ये वॉलेंटरी है। स्व इच्छा को वॉलेंटरी कहते हैं। आपके दोस्तों ने जबरदस्ती आपको पिला दी, आप पीना नहीं चाहते थे, आपका हाथ पैर बांधा, आपको जबरदस्ती पिला दिया, या किसी तरह से। आजकल तो ड्रग्स के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू, पाउडर के थ्रू।
तो कई बार आप खुद भी लेते हैं और कई बार आपको इनवॉलेंटरली भी होता है, आप लेना नहीं चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो हालांकि ठीक है, जब हम ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्ड में आएंगे, वॉलेंटरली क्या होता है, इनवॉलेंटरली क्या होता है, इसके केसेस क्या क्या हैं और कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि वॉलेंटरली को कवर करता है, वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लासरूम इन डिटेल। नाउ लेट्स कम टू द एक्टस रेयस विथ रेफरेंस टू, एक्टस रेयस विथ रेफरेंस टू टाइम, प्लेस, पर्सन और स्टेट ऑफ माइंड, इन चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक्टस रेयस विथ रेफरेंस टू टाइम क्या होता है, एक एक ही एग्जाम्पल देता हूं और वन बाय वन एक ही एग्जाम्पल में ये सारे कवर हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं कल शाम को डकैती करूंगा, मैं कल शाम को डकैती करूंगा, तो यहां टाइम क्या हो गया, कल की शाम, मैं कल शाम उस गांव में डकैती करूंगा। लेट सपोज कोई एक गांव का नाम आप इमेजिन कर लीजिए, मैं कल शाम उस गांव में डकैती करूंगा, ये क्या हो गया, एक्टस रेयस टू प्लेस हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि मैं कल शाम को उस गांव में फलाने आदमी के यहाँ डकैती करूंगा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के घर में, तो ये पर्सन हो गया। अब देखिए ये डिटेल्ड में जब हम क्लासरूम में समझेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे चलेगा जब हम बात करेंगे कि एक्टस रेयस विद रेफरेंस टू टाइम तो कौन कौन से सेक्शंस इसमें डील कर जाते हैं। तो आप देखोगे सेक्शन नंबर 456 से लेकर के 462 तक कोई भी ऑफेंसेस जो है आईपीसी में जो दिए गए हैं वो एक्टस रेयस टू टाइम में वो आते हैं। उसी तरह से जब हम बात करेंगे एक्टस रेयस विद रेफरेंस टू प्लेस 441 टू 462, सिमिलरली इसी तरह से स्टेट ऑफ माइंड तक जाएंगे तो आएगा सेक्शन 295 टू 298 आईपीसी 1860। तो एक्टस रेयस को समझने के लिए आपको पूरा एक क्लास लगेगा, आपका 1.5 आवर का लेक्चर चलेगा मेंस रिया और एक्टस रेयस पर, जो कि डिटेल डिस्कशन विथ रेफरेंस टू सेक्शंस, विथ रेफरेंस टू केस लॉज एंड विथ रेफरेंस टू स्टोरीज, ये आपको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है इंजरी टू अनदर। व्हाट इज इंजरी, वेयर इज इंजरी डिफाइंड, इंजरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 44, हियर ऑन स्क्रीन आई कैन शो यू। इंजरी कहता है कि इंजरी जो है सिंपल और प्लेन भाषा में हैं तो इंजरी किसी पर्टिकुलर पर्सन के, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बॉडी पर भी हो सकता है, माइंड पर भी हो सकता है, रेपुटेशन पर भी हो सकता है और प्रॉपर्टी पर भी हो सकता है। तो इंजरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी को मारा तो उसको इंजरी हो गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेंटल इंजरी भी होता है, आप किसी के रेपुटेशन को भी इंज्योर कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं। एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दे, आपने किसी को मारा, ये बॉडी इंजरी है। आपने किसी को ब्लैकमेल किया, ये मेंटल इंजरी है। आपने किसी के बारे में सोशल मीडिया पर गंदी गंदी बातें लिख दी, ये उसके रेपुटेशन की इंजरी है। आपने किसी की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, ये उसके प्रॉपर्टी की इंजरी है। तो इंजरी का डिफरेंट फॉर्म्स है, इंजरी किसी के बॉडी की भी हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है, उसके रेपुटेशन की भी हो सकती है और उसके प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आया। तो अभी के क्लास तक के हमारे लेक्चर रिकॉर्ड्स में हमने क्या समझा कि क्राइम क्या है, किसने इनको ड्राफ्ट किया, कब ये पास हुआ, कब ये केम इनटू फोर्स हुआ, कहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसके एलिमेंट क्या क्या हैं, चार बेसिक एलिमेंट को समझा हमने, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रेयस और इंजरी टू अनदर।
इन चारों एलिमेंट्स का होना किसी भी क्राइम में, किसी भी ऑफेंस में जरूरी है, तभी आपका आईपीसी 1860 आप पे लगेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पर्टिकुलरली कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पे इनमें से कोई एक एलिमेंट भी एब्सेंट होगा तो भी ऑफेंस होगा? मैंने कहा था मुझे लास्ट में याद दिलाना, क्या इन चारों एलिमेंट्स का होना जरूरी ही है? मैं कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में मेंस रिया नहीं हो तो क्या वो ऑफेंस नहीं होगा? या मैं कहता हूं कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में एक्टस रेस नहीं है तो क्या वो ऑफेंस नहीं होगा? सोचिए और सोच के बताइए। हियर ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं एक्टस एक्टस देयर माइट बी एक्टस विदाउट मेंस रिया, मेंस रिया नहीं है लेकिन आपका एक्टस है। कौन कौन से सेक्शंस है स्पेसिफिकली हमारे इंडियन पिनल कोड 1860 में? सेक्शन 121 वेजिंग वॉर, सेक्शन 124 है सिडिशन जो कि अभी चल भी रहा है, इस पर रिसेंट जजमेंट भी आया है जो कि आपको क्लासरूम में डिटेल में डिस्कस होगा, सेक्शन 359 एंड सेक्शन 363 किडनैपिंग एबडक्शन, सेक्शन 232 काउंटरफिटिंग क्वाइंस। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्टस तो है लेकिन मेंस रिया नहीं है, तो हो सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मेंस रिया ना, एक्टस रेस ना हो, मेंस रिया हो सिर्फ? क्या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में सोच लेना ही वो ऑफेंस हो जाता है? कुछ केसेस में डकैती, डकैती का प्रिपरेशन, आप डकैती करें ना करें वो अलग बात है, उसका प्रिपरेशन ही ऑफेंस है। तो अभी इसको इतनी आसानी से एक डेमो लेक्चर में नहीं समझा जा सकता, हम जब इसको क्लासरूम में डिटेल्ड में समझेंगे, वन बाय वन चलेंगे विथ रेफरेंस टू केसेस, मल्टीपल ऑफ केसेस फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम इसको डिटेल बाय डिटेल समझेंगे, एक एक केस को समझेंगे मेंस रिया में, जैसे क्वीन वर्सेस टॉल्सन है, ब्रेंड वर्सेस वुड है, आपका आर वर्सेस प्रिंस है, नथुलाल का केस है, नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, इसके अलावा और भी तीन चार केसेस हैं, हम वन बाय वन समझेंगे, एक्टर्स रेस के केसेस को समझेंगे। अब अभी मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया ये बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, ये बुलेट पॉइंट्स आपको इमिडिएटली आफ्टर द क्लास क्लासरूम के बाहर आपको ये मिल जाएंगे, डिटेल नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, आप उनसे प्रिपरेशन करिए, पढ़िए, कोई दिक्कत हो तो आप बात करिए। कुछ बुक रेफर है, आप बुक रेफर कर सकते हैं, बेसिकली फॉर आईपीसी एसएन मिश्रा, गेटी केडी गौर, रतनलाल एंड धीरज लाल, सुप्रीम कोर्ट ईयरली डाइजेस्ट। आज का इंट्रो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था ये मैंने आपको बिगिनिंग में नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। मेंस रिया और एक्टस रेयस, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली स्पेसिफिकली सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बेसिक्स छोड़ देते हैं, चैप्टर वन कई बार बच्चे छोड़ते हैं, कई बार ये देखो आप, यू कैन सी हियर ऑन योर बोर्ड UPCJ 1982, 2016, PJS 1995, MPCJ 2014, सिमिलरली JHS 1996, UPCJ 2012, RJS 1971, JJS 2014, ये क्वेश्चंस जो हैं इन ईयर में पूछे गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मेंस रिया, मेंस रिया और एक्टस रेस में मल्टीपल क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि नॉलेज एंड इंटेंशन, सेक्शन 35 को रिलेट करके जो मैंने आपको क्लास में अभी बताया, इन ब्रीफ थोड़ा सा बताया, ये इससे भी क्वेश्चन है, आरजेएस 1971, डीजेएस 2014 एंड यूपीसीजे 1992। इसके अलावा भी हैं, कई स्टेट्स में पूछे गए हैं, ये तो टारगेट स्टेट्स हैं, इसके अलावा और भी स्टेट्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का क्लास जो है आपका, ये डेमो लेक्चर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट लेक्चर के लिए आप रेजिलेंस लॉ एकेडमी दिल्ली ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू।